मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ मतदान किया। डीडी न्यूज संवाददाता निशांत सौरभ से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब तक हुए 6 चरणों की वोटिंग में मतदाताओं की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साथ ही कहा कि ईवीएम या वोटिंग आंकड़ों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं है। हमारे साथ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, आज 6ठे चरण की वोटिंग देश भर में हो रही है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? देखिए, ये एक उत्सव है, ये गर्व का विषय है। मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय है। आज मैं अपने फादर के, अपनी वाइफ के, अपनी बेटी के साथ वोट देने आया हूँ। पहला वोट देने जब मैं गया था तो मैं फादर के साथ गया था अपने कस्बे में, और आज फादर इज़ 95 ईयर्स और मैं उनके साथ वोट देने आया हूँ फिर से। तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है, मैं भी एक फिर से वैसा ही बच्चा हूँ जैसे यंग एज में उनके साथ गया था। तो आई हैव द सेम फीलिंग टुडे ऑल्सो। एवरीबडी मस्ट वोट। मेरी सबसे अपील है कि सब लोग बड़ी मात्रा में वोट देने आएँ। एक हमारा विभाग ऐसा है जो आपके घर जाके कहता है वोटर बन जाओ, जो आपके घर जाके आपको स्लिप पहुँचाता है, आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुँचाता है, मान मुरब्बत करता है। बाकी तो अगर किसी विभाग से कुछ लेना हो तो आपको जाना पड़ता है ऑफिस। तो जब इतनी तैयारी की है तो आप जरूर आइए। जिस तरह से 6 चरणों में वोटिंग हुई, आज 6ठे चरण का चुनाव है, क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप इन 6 चरण के चुनाव के बाद? बेहद बेहद संतुष्ट। और संतुष्टि का आलम यह है कि जब लंबी लंबी कतार महिलाओं की डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चे मतलब यंग वोटर्स को देखते हैं, बुज़ुर्गों को देखते हैं, उनके घर जाके वोट लेते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी अपील अगेन एवरीबडी टू कम एंड वोट। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं वोटिंग हो रही है, उस क्या कहेंगे, काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है? बहुत खुश हैं उससे। लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हम जरूर बहुत ही जल्दी वहाँ इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड को आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोक्रेटिक सरप्लसेस पैदा हो रहे हैं उसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और उसी पर बिल्ट करेंगे बहुत जल्दी। ईवीएम को लेकर, मतदान के आंकड़ों को लेकर जिस तरह से संशय पैदा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? कल सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर ऑब्जर्वेशन आया। माननीय उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय इस पर दे चुका है, सभी बातें जो कही जानी चाहिए उन्होंने कह दी हैं। इसकी टाइमिंग क्या है, क्यों बार बार ऐसा किया जाता है, कभी इलेक्ट्रल रोल, कभी ईवीएम, कभी वोटर आंकड़ा, इन सब में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हर बूथ पे, जैसे आज यहाँ वोटिंग ख़त्म होगी शाम को 6-7 बजे, जब भी लास्ट पर्सन जाएंगे, उसी समय यहाँ कितने वोट पड़े ये कैंडिडेट के एजेंट को हम दे देंगे। 10.5 लाख बूथ पे दिए हुए हैं ऐसे, हर जगह में 2-3-4 एजेंट्स बैठे हुए हैं, तो 10 लाख बूथ हैं, 4 भी अगर मल्टीप्लाई करें 40 लाख लोगों के हाथ में है। बदल सकता है हिंदुस्तान में कोई? जो भी हो रहा है इसको हम देश के सामने खुलासा करेंगे, जरूर खुलासा करेंगे कि ये माहौल क्यों बनाया जाता है, किस समय पे बनाया जाता है, क्या इसमें कोई पैटर्न है, क्या ये हर बार ऐसा ही होता है, क्या इसमें कोई समय निर्धारित किया जाता है जिस समय पे किया जाए, और ढूंढा जाए कि कहीं से कोई गलती मिल जाए, तो बताएंगे देश को एक दिन जरूर। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़ दिल्ली।